Very good. Good morning to all of you. Yes, very good morning. और सी सेट पेपर टू की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस। यस, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, तो कर रहे हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन मेरे साथ में। सभी ने सॉल्व भी करना है क्वेश्चन को और आंसर भी करना है। देन आंसर करना है कि हाँ जी, और ये भी चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? ए मर्चेंट मार्क्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 40%। ओके, नाउ ही अलाउज 20% डिस्काउंट। नाउ ही अलाउज 20% डिस्काउंट एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 48 आफ्टर सेलिंग इट। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज, यस प्रोडक्शन कॉस्ट आपको बतानी है, सीपी बताना है। यस, शाबाश, बताइए। हाँ जी, बताएंगे सभी जी। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है उसने कितना इंक्रीज कर दिया, 40%। अगर मैं कंसीडर करूं कि भी मेरे पास में जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, अगर मेरे पास सीपी कितना है, 100 रुपए, तो अब उसने क्या किया, हाँ जी क्या किया, 100 रुपए के 40% बढ़ा दिया। दैट मीन्स कि उसके ऊपर मार्क कर दिया है कितना, 140 मार्क कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, 140 आ गया। डन, अब उसके बाद में उसने क्या किया कि डिस्काउंट दे दिया। क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया है, 20%। भाई 140 का था, 20% का उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। डन, तो वैल्यू कितनी आ गई, 112 आ गई। दैट मींस कि उसने कितने रुपए में उसको सेल किया, 112 रुपीज के अंदर उसको सेल कर दिया। डन, अब ये बात आ रही है कि जो हमने यहाँ पे रेशियो निकाली है ये किसके अकॉर्डिंग निकाली है, जब मेरा सीपी 100 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू क्या गिवन है, पहले ये चेक किया करो कि हमारे पास गिवन क्या है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है प्रॉफिट गिवन है। अब प्रॉफिट गिवन है तो यहाँ से भी हमने क्या चेक करना है कि प्रॉफिट कितनी यूनिट्स का आ रहा है। अब जब हम है वैल्यू 100 ले रहे हैं, उस केस में अपने पास में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12 रुपीज का। ठीक है, यस 12 यूनिट का जो प्रॉफिट है आपके पास में, तो उस केस के अंदर, यस जब 12 रुपीज का यूनिट का प्रॉफिट है तो उस केस के अंदर हाँ जी सीपी क्या है आपके पास में, सीपी क्या है, 100 रुपीज है। सीपी क्या है, 100 रुपीज है। अगर 1 यूनिट का प्रॉफिट आता तो कितना होता, 100 बाई 12। और क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास, 48। तो अगर 48 का है तो क्या आएगा, इंटू 48। दैट मीन्स कितना हो गया, 400। क्लियर, सो 400 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास में, 400 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, किसी को कोई डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं, डिस्काउंट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास में, इस शॉपकीपर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस एंड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हिज आउटले, व्हाट इज द एडवर्टाइज्ड प्राइस, एडवर्टाइज्ड प्राइस यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है 100 लेके भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। रेशियो भी इजी है आपके पास में, जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन है इन दैट केस यू कैन अप्लाई रेशियो मेथड। ओके, मैं दोनों आपको बता रही हूँ, यहाँ पे दोनों मेथड आपको बता रही हूँ। देखो अगर हम लेते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होता है आपके पास में, डिस्काउंट किस पे फाइंड आउट करते हैं हम, एमपी पे। दैट मींस कि मेरे पास एसपी और एमपी की रेशियो आ जाएगी यहाँ से। जब बात आती है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। दैट मींस कि मेरे पास सीपी एसपी की रेशियो आ जाएगी। दैट मींस कि बाय यूजिंग दीज टू रेशियोज वी कैन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सीपी एसपी एंड एमपी। क्लियर है, देखो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको, सीपी ठीक है, एसपी और एमपी, ये तीन चीजें हैं। जब डिस्काउंट है 25%, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में किसकी रेशियो आ जाएगी, एसपी और एमपी की,
25% means 1/4, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज एमपी, दिस इज डिस्काउंट, तो एसपी क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी एसपी आ गया आपके पास 3, दैट मीन्स की रेशियो क्या हो गई, 3:4 हो गई, क्लियर। अगर हम बात करते प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना है 25%, दैट मीन्स की 1/4, 1/4 है, दैट मीन्स दिस इज सीपी, दिस इज प्रॉफिट, तो एसपी अपने पास में कितना आ जाएगा, हाँ जी एसपी कितना आ गया आपके पास 5, तो सीपी एसपी की रेशियो क्या हो गई 4:5। अब देखो यहाँ पे क्या है 4:5 और एसपी एमपी की रेशियो थी आपके पास में 3:4। अगर हम ओवरऑल रेशियो चेक करें तो रेशियो क्या आ गया आपके पास में 12, 15 एंड 20, डन, हाँ जी बताइए कोई डाउट। अब हमें गिवन क्या है ये चेक करना है, हमें यहाँ पे गिवन है गेन, गेन गिवन है, अगर हम यहाँ पे देखें तो गेन कितना आ रहा है आपके पास में, यस गेन कितना आपके पास में यहाँ पे 3 का गेन है, 3 यूनिट्स का, दैट मीन्स दीज 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 6000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 6000/3, दैट मीन्स 2000, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है एडवर्टाइज्ड प्राइस, एडवर्टाइज्ड प्राइस दैट मीन्स कि हमने एमपी फाइंड आउट करना है, तो एमपी यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 था, तो 20 विल बी इक्वल टू 2000 × 20, ओके दैट मीन्स 40,000 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कितना आ गया 40,000 आ गया। अब दूसरा जो मेथड है हमारे पास में वो कौन सा होता है 100 वाला, 100 वाला मेथड क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास में कि गेन गिवन है आपको 6000, प्रॉफिट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, देन अगर मैं ये मान के चलती हूँ, मेरा एमपी जो है वो कितना है 100, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट दिया यहाँ पे 25%, दैट मीन्स कि अपने पास में जो एसपी है वो कितना हो गया 75 हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि सीपी कितना होगा, सीपी कितना हो जाएगा जब आपके पास प्रॉफिट है 25, दैट मीन्स कि सीपी कितना होता है अपने पास में एसपी इंटू 100/125 हो गया, ठीक है 25 या 75, 25 × 125, 5 से ही हो गया अपने पास में 20, दैट मीन्स कि 60 आ गया, हाँ जी सीपी कितना आ गया आपके पास में 60 आ गया, क्लियर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 60। किसी को इसमें कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे पास में प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितने यूनिट का आ रहा है 15 यूनिट्स का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है आपका 15 का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको सेम रेशियो भी आ जाएगी, आप इसको देखो जब हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं, फाइनली बन तो वही रहे ना, देखो अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 15 और ये 5 से हो गया 20, देखो अब सेम आ गया आपके पास क्वेश्चन 12, 15 एंड 20, ओके यस। अब देखो यहाँ पे अगेन 3 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 6000, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2000 एंड 20 यूनिट इज इक्वल टू व्हाट 40,000, सो आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। हाँ जी बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, कोई भी डाउट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए क्या, इफ द प्रॉफिट ऑफ द, यस इफ द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल इज 425 rupees इज द सेम एज द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 355, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे, शाबाश, यस इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। देखो क्या है आपके पास, कह रहे हैं कि अगर हम एक प्रोडक्ट को 425 rupees में बेचते हैं, ठीक है एसपी हो गया, ये हमारे पास में कोई सीपी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस होगा कब, अगर हम उसी प्रोडक्ट को 355 rupees के अंदर सेल करते हैं, हाँ जी कितने में करते हैं 355 rupees में सेल करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है इस केस के अंदर उतना ही लॉस हो रहा है, उतना ही लॉस हो रहा है। अब जल्दी से आंसर बताएंगे। अब देखो बच्चे प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, 425 माइनस सीपी, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, दैट मीन्स सीधी सी बात है जो ज्यादा उसमें से कम को माइनस कर दो आप, ठीक है सीपी माइनस
एसपी, तो 2CP किसके इक्वल हो गया, दोनों को आप ऐड कर दो, ये वैल्यू होगी आपके पास में 5 और 5 10, 7 और 1 8, और ये हो गया अपने पास में 7। क्लियर? तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 780 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 390। ओके, सो 390 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, 390 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा बस लॉजिकली सोचना है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, भाई उतना ही प्रॉफिट होगा जितना कि लॉस होगा, ठीक है। यस, प्रॉफिट लॉस दोनों केसेस में इक्वल है, दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया एंड वी गेट द वैल्यू फॉर सीपी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, दिस इज द क्वेश्चन एंड देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। क्या स्टेटमेंट है, 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन 20% प्रॉफिट इज गेन। कह रहा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो और तीसरी जो स्टेटमेंट है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5000। तो ये बताना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना डाटा सफिशियंसी का, उस केस में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी ये 2 स्टेटमेंट अगर मेरे पास हैं तो क्या मैं आंसर निकाल सकती हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो अगर दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे हमारे पास में डिस्काउंट गिवन है, तो अब दूसरा जो पॉइंट है, अब मुझे इस तरह का डिस्काउंट और प्रॉफिट, ठीक है ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट अगर मेरे पास में है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, वैल्यू की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे सेकंड जो है वो कह रहा है, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन 20% प्रॉफिट। यस ममता, क्या आंसर आ गया, बी। बी आंसर नहीं आएगा, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या कह रहा है कि मुझे फर्स्ट की भी जरूरत पड़ेगी, सेकंड की भी। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, दिस इज रिडंडेंट स्टेटमेंट, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। देखो तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली 1 and 2 इज रिक्वायर्ड, 1 and 2 इज रिक्वायर्ड। यस, शाबाश, क्या आ जाएगा, ओनली 1 and 2 इज रिक्वायर्ड। ओके, यस, अब मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा। मान लो ये अपने पास में क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता डाटा सफिशियंसी की बजाय, डाटा सफिशियंसी की बजाय ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता, फिर आंसर क्या आता। हाँ जी बताइए, कितना परसेंट आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5% डिस्काउंट इज गिवन। अगर मैं कंसीडर करूं, अगर मैं कंसीडर करूं कि हमारा लिस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, ओके। तो हमारे पास में एसपी कितना आएगा, डिस्काउंट दे रहा 5% का, दैट मीन्स कि 95 आ गया, कितना आ गया 95। अब दूसरे केस के अंदर क्या कह रहा है, इफ डिस्काउंट इज नॉट गिवन देन 20% प्रॉफिट इज गेन। डिस्काउंट गिवन नहीं है, डिस्काउंट गिवन नहीं है, दैट मींस व्हाट, डिस्काउंट गिवन नहीं है, दैट मींस क्या है कि हमने उसको 100 रुपए में बेच दिया। एसपी कितना है, 100 रुपए, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सीपी कितना आ जाएगा। हाँ जी, सीपी कितना आ जाएगा आपके पास में, 100 डिवाइडेड बाई 120। क्लियर? हाँ जी, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया आपके पास में 250 बाई 3। दैट मीन्स कि सीपी क्या है हमारे पास में, 250 बाई 3 है। तो अब देखो यहां से अब मुझे क्या मिल गया, हाँ जी, अब हमें क्या मिल गया, सीपी हमें पता है, सीपी कितना है, 250 बाई 3 है। यस, सीपी कितना है आपके पास में, 250 बाई 3 है। एसपी कितना है, 95 है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो ना आप। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, यस, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, SP माइनस CP। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, हो जाएगा 5 * 15, 9 * 27 और 1 * 28 में से 250/3। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ये आ गया आपके पास में 5 and 3, 35/3 का आ गया प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास में, 30 बाई
35/3 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी कितना है 250/3, इसको बटा करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, ये गुणा 100। ठीक है, हाँ जी 25 से ये अपने पास में हो गया सीधा सा, ये हो गया आपके पास में 5 5 25, 5 2 10 और 5 7 35, दैट मीन्स 14%। ओके देखो कितनी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बस। बट अगर आपके पास में यही क्वेश्चन डाटा सफिशियंसी के फॉर्म में आ रहा है, इन दैट केस आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये देखो कि भाई मेरे पास में क्या गिवन, 5% डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, उसके केस में मुझे आंसर निकालना है। बट उसने साथ में मुझे एक बात बताई क्या, कि अगर डिस्काउंट नहीं देता हूँ तो 20% का प्रॉफिट होता है, अगर डिस्काउंट नहीं देता हूँ तो 20% का प्रॉफिट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया हमें, सीपी मिल गया, एसपी हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके यस, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि क्वेश्चन ना आपने देखा होगा डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यस, डाटा सफिशियंसी पे कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करते हो, कोई भी टॉपिक जब प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर से ये देखो कि डाटा सफिशियंसी के अकॉर्डिंग, मींस कि क्वेश्चन को हमने ऐसे देखना है कि हाँ जी क्या सिर्फ जो मेरे पास स्टेटमेंट में गिवन है क्या मैं उससे सॉल्व कर सकती हूँ इसको। ठीक है, डॉक्टर क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है दैट इन्फॉर्मेशन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर और नॉट। ओके यस, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करो, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ प्रॉफिट लॉस, कोई भी जब टॉपिक आप प्रिपेयर करते हो तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से चेक करना है आपने। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से करेंगे, देखते हैं कौन पहले कर रहा है। यहाँ पे क्या है, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यस, अगेन एक स्टेटमेंट ये आ गया आपके पास में, ठीक है, और भी स्टेटमेंट गिवन है, क्या गिवन है, अगेन 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज 120 मोर देन 22% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्लियर, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 4% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जब हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हमारा आंसर यहीं से ही आ जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट की तो जरूरत ही नहीं है। जल्दी से बताइए क्या है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ओके, ये गिवन है हमारे पास में। अब उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मीन्स मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सीपी बाई एसपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमने, सीपी बाई एसपी फाइंड आउट करना है, डन। अब सीपी बाई एसपी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स व्हाट, सीपी इधर है, एसपी को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 4:5। क्लियर, क्या आ गया, 4:5 आ जाएगा। यस, क्लियर है, क्या आ गया, 4/5, 4/5 का क्या मीनिंग है यहाँ पे, 4:5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4:5, डन। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अपने पास में जो स्टेटमेंट की जरूरत सिर्फ उतनी को यूज करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ जी अगर अगर आपके पास में एक लंबी सी स्टेटमेंट आ जाए तो हमने उसके सभी पॉइंट्स यूज करने हैं। सिर्फ ये देखो कि मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है, आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करो। ओके यस, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कह रहा लास्ट ईयर मिस्टर ए ब्रॉट टू पेंटिंग्स, मिस्टर ए ने टू पेंटिंग्स परचेज करी, दिस ईयर ही सोल्ड हिम 20,000 ईच, उसने दोनों जो है 20,000 के अंदर सेल कर दी। ठीक है, अब आगे गिवन है, ऑन वन He made 25% of profit, of the other he had 25% loss. Then his net profit or loss is. अब देखो
ये जो टाइप है ना काफी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में सेम प्रॉफिट और सेम लॉस गिवन है, बट जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बताओ नेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितनी है। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखो कि क्या होगा, लॉस होगा। पहली बात क्या होगा, लॉस होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपसे परसेंटेज नहीं पूछी गई है, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द नेट प्रॉफिट और लॉस, मीन्स अमाउंट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ कि हमारे पास में दो पेंटिंग है, ठीक है, अगर हम फर्स्ट पेंटिंग के, अगर हम फर्स्ट पेंटिंग का सीपी देखें, तो फर्स्ट पेंटिंग का सीपी कितना होगा भाई, 20,000 रुपए में उसने सेल करी है, 20,000 रुपए में उसने सेल करी है। ठीक है, कितने में सेल करी है, 20,000 रुपए में। अब जब उसने 20,000 रुपए में सेल करी है तो उसको 25% का प्रॉफिट हुआ है। 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स कितने की गई उसकी, बाई 125। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 और 5 चौके 20। दैट मीन्स कि उसने 16,000 रुपए की उसको परचेज किया था। देन अब बात हो रही है दूसरी पेंटिंग की। अगर हम सेकंड पेंटिंग की बात करें, उसका सीपी क्या होगा, 20,000 में उसने सेल करी, लॉस हुआ उसको कितने का, 25% का। जब लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट था तो यहाँ पे हमने 25% ऐड किया, 125 हो गया। ठीक है, जब लॉस है तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 75 कर देंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 25 चौके 100, 25 75। ठीक है, दैट मीन्स कि ये हो गया आपके पास में 80,000 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 × 6। क्लियर, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में 26,000.6, मीन्स उसने इतने रुपए का उसको परचेज किया था। अब उसने दोनों 20,000 की बेची, अगर मैं दोनों के सीपी देखूं, सीपी ऑफ बोथ पेंटिंग, दोनों का कितना हो जाएगा आपके पास में, दोनों को ऐड कर दोगे। क्लियर, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 6, 6, 6, 6, 6, 12, 3 और 1, 4.6। ठीक है, अब सेल कितने की करी है उसने, 20, 20, 40,000 की सेल करी है। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हो गया, 266.6 का लॉस हो गया। डन, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस क्या गिवन है, ऑप्शंस गिवन है ही लॉस मोर देन 2000, ही लॉस्ट मोर लेस देन 2000। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मोर देन 2000, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए ऑप्शन। क्लियर, दैट मीन्स व्हाट, कि हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन दैट केस आप सीपी फाइंड आउट करोगे, उसके बाद में देखोगे कि हाँ जी कितने में उसने सेल करी है, क्या आंसर है। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, क्या है, ए शॉपकीपर सेल राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट ऑफ 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर, हिज गेन परसेंट। हाँ जी, गेन परसेंट आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी से करेंगे आंसर। डिसऑनेस्ट डीलर का क्वेश्चन है। अब देखिए जिस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, देखो बेटा 100,000 क्वेश्चन कर लो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर हमने किसी भी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो ये देखो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन कौन सी टाइप्स बन रही हैं। ठीक है, उन टाइप्स को क्लियर कर लो 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा। ठीक है, जब वो हमारी टाइप्स क्लियर हो गए, हमारा वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रट्टा लगा रखा है क्वेश्चंस का, तो एग्जाम में नहीं करके आ सकते, बिकॉज एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। मैं कहूंगी यही सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। हमेशा एग्जामिनर की, खासकर जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर एग्जामिनर की इंटेंशन होती है कि स्टूडेंट को लॉजिकली चेक करना है। ठीक है ना, आपके पास में ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूपीएससी के अंदर, लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों को ये देख लीजिए कि हाँ जी सबसे पहले मेथड भी क्या है तैयारी के लिए, सी सेट के लिए क्या करोगे, सी सेट के लिए हाँ जी क्या करोगे। हमने ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैंने सी सेट के लिए 33% मैंने लेना है और उसके लिए मैं पूरा 100
पूरा दिन रात सी सेट पे लगे हो, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। जब हमें पता है अभी क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो ना, बट 33% नहीं प्रिपेयर करके जाना, 33% नहीं प्रिपेयर करके जाना। क्या करेंगे हम, ये देखेंगे कि कौन से, जो अगर हम प्रीवियस ईयर के अंदर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ और उसको प्रिपेयर कर लो। डन, यस, उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाओ, उसको प्रिपेयर कर लो। अब बात आती है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं अब कहाँ से डाटा देखूँ। अगर हम इंटरनेट पे देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं या यूट्यूब सर्च करते हैं, तो फ्री में दे मार आपको वीडियो मिल जाएगी, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है ना। अब एक बात ये भी है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए क्या जरूरी है, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं उसी को एक्सेप्ट करूँगी ना अपने माइंड के अंदर। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ जी सारा ले लो, ठीक है। दैट मीन्स कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे उस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, समझ रहे हो। क्योंकि ये सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ, कहाँ से प्रिपेयर ना करूँ। अब करने को तो अभी यहाँ पे भी मैं बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस डाल देती, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि बैंक पीओ के अंदर आते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने नहीं डाले। रीजन बिंग कि वैसे क्वेश्चन आपके आने नहीं एग्जाम के अंदर। पहले सेलेक्ट करो कि हाँ जी हमने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस मेरे आएंगे। डन, तो उसके लिए क्या करना है, टाइप्स क्लियर कर लो आपके, हाँ जी इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है प्रॉफिट लॉस पे, क्लियर है, ये टाइप है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर करना है। तो अभी पीडिया ने इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए एक बड़ा ही आप लोगों को फ्लेक्सिबल पोर्टल प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हम माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है, सी सेट पे तब आप जाओगे, हाँ जी जब पोर्टल पे आप सी सेट पे जाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। माइक्रो कोर्सेज में क्या है, यस व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज, दीज आर मॉड्यूल कोर्सेज, दैट मीन्स व्हाट, कि जो आपको पर्टिकुलर सेक्शन प्रिपेयर करना सिर्फ आप उसी को कर सकते हो, सिर्फ आप उसी को कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट लॉस के अंदर कुछ कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं है, अब मैं क्या करूँ, कुछ कंसेप्ट क्लियर मेरे प्रॉफिट लॉस के नहीं है, तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस क्यों करूँ, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ने के लिए मैं 10,000 रुपये क्यों खर्च करूँ। पॉइंट इज क्लियर। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए अभी पीडिया ने क्या किया कि आपको माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि आपको जो टॉपिक चाहिए यू कैन टेक दैट टॉपिक ओनली। ओके बच्चे, क्लियर है सभी को पॉइंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इवन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए यू कैन टेक वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, आपको स्टडी नोट चाहिए यू कैन टेक स्टडी नोट, अगर आपको लगता है मेरा टॉपिक प्रिपेयर जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए यू कैन टेक द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, यस, पॉइंट इज क्लियर। तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, हाँ जी सॉल्व हो गया क्वेश्चन सभी का। क्या है क्वेश्चन, इस शॉपकीपर डीलर सेल्स प्राइस एट 10% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, उसको 100 रुपये का माल पड़ा, ठीक है, उसने 100 प्रोडक्ट 100 रुपये में बेच दिए। क्या ये, आप ये कह सकते हो कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो आप ये मान के चलो कि मेरे पास में 100 प्रोडक्ट्स हैं, या आप ये लगा लो कि 100 ग्राम मेरे पास में, 100 ग्राम का मेरे पास प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रही हूँ, ठीक है, पॉइंट क्लियर है, हाँ जी 100 ले लो आप, 1000 ले लो, जब भी डिसऑनेस्ट डीलर की बात आती है 100 ले लो, 1000 ले लो, 1000 क्यों, क्योंकि अगर परसेंटेज में गिवन है तो 100 इजी रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास में वहाँ पे आ जाता है कि हिंट 200 ग्राम कम तोल रहा है वो या इस तरह का कुछ, तो आप 1000 ले लो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। अब देखो हमने मान लिया कि भाई उसने कितना सेल करना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम देना है उसने, कितने का, 100 रुपीज़ का, पर वो कहता है कि भाई मुझे तो कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। जब प्रॉफिट चाहिए तो उसने उस 100 ग्राम को जो कि 100 रुपए का था, उसने उसको कितने में सेल किया, 110 रुपीज़ के अंदर सेल कर दिया, ठीक है। बट उसने किया क्या, एक्चुअल में उसने पूरा 100 ग्राम नहीं दिया, 30% लेस दिया है। लेस दिया है मतलब कि शॉपकीपर के पास से कितना सामान गया, कितने रुपए का सामान गया, जितने रुपए का सामान गया वही तो सीपी होगा, जो उतने का बेचा वो एसपी होगा, क्लियर। कितने का सामान गया, 30% लेस, दैट मीन्स कि 70 रुपीज का सामान गया। उसने 70 रुपीज के जो प्रोडक्ट थे वो 110 रुपीज में सेल करे हैं, दैट मीन्स दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट देखिए उसको कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, हाँ जी प्रॉफिट हो रहा है आपको 40 का।
अब बात आ रही है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हाँ जी डिवाइडेड बाय करेंगे सीपी, एंड सीपी इज 70। ओके तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/7 इज इक्वल टू 14:2/7%, 4/7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57:1/7%। ठीक है तो आंसर आ जाएगा 57:1/7%। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर। डिसऑनेस्ट डीलर के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, बट बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ध्यान क्या रखना है आपने कि जो यहाँ पे अपने पास में यहाँ पे जो वैल्यू है, जितने में हमने बेचा है उसको एसपी लो, जितना माल हमें मिला है उसको लो सीपी। क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए मैन सोल्ड हिज वॉच एट ए लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस पे उसने सेल कर दी। Had he sold it for 140 more, अगर वो 140 रुपए ज्यादा में उसको बेचता, in that case gain is 10%, तो उसको 10% का profit हो जाता। Find the cost price of the watch, cost price आपको find out करना है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि cost price कितना है उसका, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए का है, कह रहा है कि उसको loss हो रहा है कितना, 10% का। That means कि जब वो उसको बेच रहा है तो उसको 10% का loss हो रहा है, तो SP कितना आ जाएगा, हाँ जी एसपी कितना आ जाएगा उसका, 90 आ गया। क्लियर, कह रहा है कि अगर वो 140 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता। दैट मींस कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता, तो कितने में बेचता वो, 110 रुपए में। अब यहां पे देखो कितने का फर्क आ रहा है, पहले वो 90 रुपए का बेच रहा था, अभी वो 110 रुपए का बेच रहा है। दैट मींस कि 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे, हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी बन रही है, 20 यूनिट्स, ठीक है। दैट मींस कि जो 20 यूनिट्स है दैट आर गिवन टू इक्वल टू 140, दैट मींस कि जो 1 यूनिट है वो किसके इक्वल होगी, 7 के। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, सीपी, सीपी कितना कंसीडर किया है हमने, 100 यूनिट कंसीडर किया है। दैट मींस कि 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 × 7 = 700। ओके क्लियर। वैसे ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, देखो लॉस हो रहा है 10% का, पहले 10% का लॉस था, चाहिए क्या 10% का प्रॉफिट, टोटल डिफरेंस क्या है 20% का, 20% का जो डिफरेंस है हमारे पास में, यस 20% का डिफरेंस। अब 20% क्या है, जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। दैट मींस कि 20% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 140, दैट मींस सीपी की वैल्यू क्या होगी, 20% दैट मींस वो क्या, 1/5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 700। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन हो गया, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, यस क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यस देखिए क्या है आपके पास यहाँ पे है, इन ए सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट, यस 320% ऑफ द कॉस्ट, इफ द कॉस्ट एक्सक्यूज मी, यस इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25% बट सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। अब यहां पे आप देखिए क्या है, स्टोर है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 320% का, दैट मींस कि अगर सीपी हमारे पास में कितना है 100, ठीक है, प्रॉफिट है 320% का, दैट मींस कि अपने पास में एसपी कितना आ जाएगा, 420 आ गया। देखो अगर 20 होता तो हम सिर्फ 120 कर देते, जितना भी प्रॉफिट गिवर है ना उतना ही उसके अंदर आप ऐड करो, तो ठीक है कितना हो गया, 420 रुपीज हो गया, करेक्ट। इफ कॉस्ट इज इंक्रीज टू 25%, ये सीपी हमारे पास में फर्स्ट है, अब हमने क्या किया कि कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स की सीपी कितना हो गया 120, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स की जो सेलिंग प्राइस है वो उतना ही रहा, कितना रहा 420। ओके अब क्या है क्वेश्चन आपके पास में, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का कितना है। अब देखो हमेशा जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे किस पे करते हो आप, C
सीपी पे करते हो, बट यहाँ पे क्या है, गिवन है, स्पेसिफाई किया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइसेस है ना, दैट मीन्स कि अभी हमने प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, एसपी पे कैलकुलेट करना। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना आपने, अगर गिवन है तो एसपी पे करना, बाय डिफॉल्ट हमने सीपी पे फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना आ गया, हाँ जी प्रॉफिट कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 295। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 295 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100, क्लियर, 4 7 28, दिस विल बी नियर बाई, यस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 70%। हाँ जी, अगर गीवन है आपके पास, अगर गीवन है ना कि किस पे फाइंड आउट करना है आपको, एसपी पे, इस केस के अंदर क्या करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसपी इनटू 100, ठीक है। अगर गीवन नहीं है, इन दैट केस हमारे पास में अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता, यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई सीपी इनटू 100 करते हैं, डन, यस। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस तरह का क्या है, अभी यहाँ पे गीवन नहीं है, देखो कुछ भी क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए पर्सन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, इफ ही हैड बोट ए 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदता, उसी तरह का क्वेश्चन है, एंड सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज मोर, और 55 रुपए ज्यादा में उसको बेचता, 55 रुपीज ज्यादा में बेच रहा हुआ उसको, ठीक है, देन ही हैड प्रॉफिट ऑफ 40%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अगर हमारे पास गिवन नहीं है सीपी एसपी, तो हमने यही कंसिडर करके चलना है कि जो हमारा प्रॉफिट है दैट इज ऑन सीपी, यस दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो अब यहाँ पे देखो, हमने ये कंसिडर किया कि जो सीपी था हमारे पास में वो कितना है, हमारे पास 100 रुपीज, इनिशियल सीपी हमने क्या कंसिडर कर लिया, 100 रुपीज, और क्या है, एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%, तो इनिशियल एसपी कितना आ गया आपके पास में, 10% लॉस उसको हो गया, कितना आ गया आपके पास, 90 रुपीज आ गया, 90 रुपीज आ गया। अब देखो, अरे हैड, इफ ही हैड बोट इट 20% लेस, 20% लेस में उसको खरीदता कम में, दैट मीन्स कि कितने में खरीदता, 80 रुपए में, दैट मीन्स कि जो नया सीपी है उसका कितना हो गया, 80 रुपए, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 55 रुपीज मोर, ही वुड हैव हैड ए प्रॉफिट ऑफ 40%, उसको 40% का प्रॉफिट हो जाता। जब उसको 40% का प्रॉफिट होता, दैट मींस कि उसका एसपी क्या हो जाता, न्यू एसपी कितना आएगा, हाँ जी 40% का प्रॉफिट हो गया, क्लियर, कितना हो गया, 112 हो गया, हाँ जी, कैसे आई वैल्यू। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 40% कितना हो जाएगा, 832, 32 रुपए हो गया, 80 जमा 32 कितना हो गया, 112 हो गया, क्लियर, हाँ जी, कितना आ जाएगा आपके पास में, 112। कैसे कैलकुलेट किया दोबारा बताते हो, देखो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन सीपी कितना है, 80, प्रॉफिट कितना है, 40%, 140/100, ओके। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है हमारे पास में, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 22 यूनिट्स का आ रहा है, 22 यूनिट्स है, ओके okay? और क्वेश्चन में कहा है कि कितने ज्यादा में बेचता, 55 में, यहाँ पे कितने ज्यादा में बेच रहे, 22 यूनिट ज्यादा में बेच रहे, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 55, 1 इज इक्वल टू 55 बाय 22, कितना हो गया, 5/2, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कि जो 100 है, 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 इंटू 100, दैट मीन्स 250, ओके, कितना आ जाएगा आपके पास, 250 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 250, ओके, क्लियर है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई डाउट आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हाँ जी आपका डाउट क्लियर किया जाए, ओके, यस, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच।